हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाने के लिए मतलब पूरी तैयारी कर ली थी, बस हाउस बनाना था। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में हाउस नहीं बनाए थे, तो इस वाली वीडियो में हम लोग पूरा अपना हाउस को कम्प्लीट कर देंगे। एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग चलेंगे उधर माइनिंग करने के लिए, वहाँ हाँ यही पे माइनिंग करने के लिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सो गाइस, हमारा घर जो कि है वो बन के तैयार हो चुका है। एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस थी नहीं, सो ऐसा ही घर बना। एंड हाँ, इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे इतना तो रियलाइज हो गया कि मैं बहुत नूब हूँ बिल्डिंग और ऐसे घर बनाने में। यस गाइस, मैं वीडियो बनाते रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा गंदे घर बनाता हूँ। एंड क्या बोल सकते हैं ब्रो। ओके गाइस, तो ये वाली वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है, अगली वीडियो में हम लोग एकदम फुर्सत से जाएंगे हम माइनिंग करने। एंड क्यों माइनिंग करने, क्योंकि गाइस Y12 में मिलते हैं डायमंड्स एंड मैं अभी Y18 में हूँ। सो पक्का यहाँ पे तो डायमंड्स मिलेंगे। एंड एक ब्लॉक नीचे से 17 है ब्रो, तो डायमंड्स तो पक्के मिलेंगे ही मेरे को लग रहा है, क्योंकि 18 और 12 ज़्यादा दूर नहीं होता है। सो मिल सकते हैं ब्रो, ऐसा कोई बात नहीं है, मिल सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा। आज की वीडियो का लाइक एम होता है हमारा 50 लाइक, तो प्लीज़ कंप्लीट कर देना, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ एंड रेगुलर वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। इसलिए आज की वीडियो के लिए 50 लाइक भी मेरे लिए बहुत होंगे। सो आज की वीडियो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में माइनिंग करने के साथ।